गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज वन्ना। सो लास्ट कुछ दिनों से मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आ रही कि मैम मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है, लार्ज पोर्स है, साथ ही साथ मेरी स्किन है बहुत ज्यादा डल हो गई है। तो आप कुछ ऐसा फेस पैक बताइए जिससे मेरे चेहरे पर जो ओपन पोर्स है वो भी मिनिमाइज हो जाए, साथ ही साथ मुझे फेस पर बहुत ज्यादा पसीना आता है और मेरी स्किन है बहुत ज्यादा डल है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताऊंगी जिससे आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा, आपके ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे और आपकी स्किन ब्राइट भी होगी। तो चलिए देख लेते हैं ये फेस पैक कैसे बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी मुल्तानी मिट्टी यानी फुल अर्थ। अगर आपकी स्किन ऑयली है या तो आपको फेस पर बहुत ज्यादा पसीना होता है तो मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी सोख लेगी, साथ ही साथ आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव और ब्राइट करेगी। मुल्तानी मिट्टी आपको लोकल स्टोर में कहीं पर भी मिल जाएगी या तो मैं मुल्तानी मिट्टी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून जितना पोटैटो जूस यानी आलू का जूस। मैंने यहाँ पर आलू के छिलके निकाल कर इसको कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लिया है। आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी पीस कर इसका जूस निकाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है 1 टेबलस्पून जितना टमाटर का रस। टोमेटो जूस हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, हमारे पोर्स को क्लोज करता है, साफ करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइट और आपकी स्किन को टाइट करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3-4 बूंद लेमन जूस ऐड करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये इसको स्किप कर सकते हो। और लास्ट में आपको यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना रोज वाटर ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। रोज वाटर हमारी स्किन का जो पीएच लेवल होता है, हमारी स्किन का निखार होता है, उसको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ फेस पैक तैयार करना है। मुल्तानी मिट्टी का ये फेस पैक आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा या तो थिक नहीं रखना है, इसे आपको मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फेस पैक है वो तैयार हो चुका है, बस आपको ऐसी कंसिस्टेंसी का बनाना है। तो चलिए अब मैं आपको इसके फायदे भी बताती हूँ और इसको आपको कैसे यूज करना है और भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद ये फेस पैक को फेस पर अप्लाई करना है। आप फेस पैक अप्लाई करने के लिए फेस पैक ब्रश का भी यूज कर सकते हो या तो आप हाथों से भी इसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज की है। मुल्तानी मिट्टी एक तो हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करती है, हमारे स्किन का जो लचीलापन है उसको बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को स्मूथ और सपल बनाती है। अगर आपका जो स्किन कलर है बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, आपके फेस पर बहुत ज्यादा सनटेनिंग हो गई है, तो ये टेनिंग को भी रिमूव करके आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, ऑयलीनेस दूर करेगी और पोर्स को मिनिमाइज करेगी। तो यहाँ पर हमने टमाटर यूज किया है। टमाटर के रस हमारे पोर्स को साफ करती है जिससे हमारे पोर्स क्लीन हो जाते हैं और हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ टमाटर में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है जिसे हमारे फेस पर ग्लो आता है। उसके बाद हमने यहाँ पर पोटैटो जूस यूज किया है। पोटैटो जूस में स्किन वाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जिससे हमारे फेस पर जो दाग धब्बे होते हैं, चाइयां, पिगमेंटेशन होती है, डार्क पैचेस होती है, वो रेगुलर यूज से रिमूव होने लगते हैं। तो ये सारी चीज हमारे स्किन को ब्राइट करती है, हमारे फेस पर जो दाग धब्बे होते हैं, ऑयलीनेस होती है या तो डलनेस होती है, वो सारी चीजों को रिमूव करके हमारे फेस को क्लियर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फेस पर इसे अच्छे से लगा दिया है। अब आपको इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ मैंने पानी से इसको वॉश किया है। आप आधे घंटे बाद कोई भी साबुन या फेस वॉश का यूज कर सकते हो, बट एक ही बार यूज करने के बाद आपकी स्किन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा या तो आपकी स्किन पर जो डलनेस होगी वो रिमूव हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी स्किन पर एक ब्राइटनेस, आपकी स्किन पर एक चमक आ जाएगी। और आपको इसे वीक में कम से कम 2 से 3 बार यूज करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप 3 बार यूज कर सकते हो, या तो नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हो। इसे मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हो, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक देना मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलना। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।